हम यहाँ रास्ते से गुजर रहे थे, ये बेलीपाट क्षेत्र का भीटी गांव है, जहाँ पर कुछ परिवार हमको खुले में अपना जीवन यापन करते हुए नज़र आए हैं। ये आप देख सकते हैं, उनके मकान हैं जो पिछले दिनों आई आंधी में उड़ चुके हैं। ये सामने बिस्तर लगे हुए हैं, यहीं पे लोग रात में सोते हैं और सुबह कबाड़ का काम करने के लिए लोग निकल जाते हैं। यहाँ एक चाचा जी बैठे हुए हैं, आइए बात करते हैं ये कहाँ के निवासी हैं और इनको जो सरकार की मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्राप्त हैं या नहीं है। आखिर क्यों ये लोग घूम घूम करके इस तरह से घुमंतु जीवन यापन कर रहे हैं, कहीं बाग बगीचे में खेतों में अपना डेरा डाल लेते हैं और वहाँ रहने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर कौन सा ऐसा कारण है? क्या सरकार द्वारा दी जा रही जो जमीनी स्तर की सुविधाएं हैं वो भी इन लोगों को नहीं प्राप्त हैं? चाचा जी बैठे हुए हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा मुस्लिम मियां नाम है। मुस्लिम मियां? हाँ। आप कहाँ के निवासी हैं मूल रूप से? हम निवासी पहले के हथियागढ़ नौतन के हैं। नौतन? नौतनवा? हाँ, इका नौतन है, तड़कुलवा थाना खुशीनगर जिला। जी जी जी। हाँ जी। अब वहाँ से हमको नहीं मिला तो हम आकर कोना गांव में 20 बरस से रहे हैं जी। ये झंगहा थाना कोना गांव जी, यहाँ आधार कार्ड हमारा बना है। अब वहाँ भी जमीन नहीं मिला है तो हम आकर ये बेलीपार में अपना जीवन गुजार रहे। तो आखिर जो आपका पहला मूल निवास था उसको क्यों छोड़ना पड़ा, क्या कारण? नहीं, उसमें हमारा जमीन वहू जी नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला तब हमने अब बाबू भैया के जमीन में रहकर गुजारे कर रहे हैं। कहाँ पे बाबू भैया कहाँ के हैं? यहाँ भीटी के हैं, वहीं यहीं पर रह रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो सरकार के द्वारा कोई सुविधा आप लोगों को कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। आधार कार्ड बना आप लोग? हाँ, आधार कार्ड। उस आधार कार्ड पे कहाँ का पता है? हाँ, यही कोना कोना पर ही का हमारा आधार कार्ड है। वही हम 20 बरस से रहे थे तो हमारा आधार कार्ड अब बन चुका है। वो भी प्रधान जी संजय प्रधान हमको एक बीता नहीं दिए तो हम नहीं। तो वहाँ आप प्रधान से बात नहीं किए कि हमको जो आबादी की जमीन हो या ग्राम सभा की जमीन? नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं साहब। इसलिए बाल बच्चे हैं आपके? हाँ हाँ, बाल बच्चे, 6 बेटा है, 4 बेटियां हैं, औरत है भी हमारा, सब कुछ है। वो लोग भी साथ में ही रहते हैं आपके? हाँ हाँ, यही साथ में रहते हैं, ऐसे घूम घूम के इसी बना। हाँ, तो देखा आप लोगों ने किस तरह से अपनी मजबूरी ये बयां कर रहे हैं, कहीं 10 साल, कहीं 5 साल, कहीं 20 साल, इसी तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आगे कुछ और लोग हैं, आइए बात करते हैं। एक महिला नजर आ रही है, उससे बात करेंगे। ये बच्चे की कंडीशन देख लीजिए आप, इधर ये बच्चे की कंडीशन देखिए, इस भीषण गर्मी में पूरा शरीर उसका घमोरियों से भरा पड़ा है, कपड़े तक नहीं है बच्चे के। एक बच्चा यहाँ भी देख सकते हैं, बच्चों की कंडीशन, इस भारी गर्मी में ये इस तरह से जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्या रीजन है, क्यों इनको सरकार द्वारा दी गई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं? बात करते हैं। आप कहाँ के निवासी हैं? करजहाँ। वहाँ आपका जमीन वमीन है? नहीं, जमीन अच्छा, पुश्तैनी जमीन नहीं है। मूल रूप से आप लोग कहाँ के निवासी हैं? प्रधान जी जैसे बसा दिए ना, मंडी बाजार लगा मतलब प्रधान ने वहाँ आप लोगों को बसाया है। तो मकान है आप लोगों का? मंडी है, मंडी मकान नहीं है, मंडी है, वही बाजार लगा। ऐसे खुले में ही रहते हैं, मतलब वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है, खुले में ही जीवन जैसे यहाँ बिता रहे हैं, वहाँ भी बिताने में मजबूर है। बच्चे ऐसे ही रहते हैं बच्चे? तो आखिर आप लोगों का रोजी रोटी कैसे मिलता है? कम से कम लड़का कर रहा माटी जोन काम लागे तो अभी तो कबाड़ का काम ये लोग करते हैं। कबाड़ी एक तरह से कह सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कबाड़ में अपना जीवन ढूंढ रहा है, अपना जीवन बिता रहा है, कबाड़ में रोजी रोटी तलाश रहा है। ये बहुत ही दयनीय दशा है, जो सरकार की मूलभूत सुविधाएं हैं इन लोगों को नहीं प्राप्त हैं और घूम करके ये लोग जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।